दोस्तों कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूली के पराठे। बहुत ही आसान तरीके से हम इसे बनाएंगे। बस 3 से 4 मिनट में आपके मूली के पराठे बनकर रेडी हो जाएंगे। और सबको पता है कि मूली खाना कितने फ़ायदेमंद होता है हमारे बॉडी के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। तो चलिए झटपट बनाते हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको और अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे आटा 2 कटोरी। मैंने यहाँ पे 2 कटोरी आटा लिया है। फिर उसमें हम लोग लेंगे 1 कटोरी ग्रेड किया हुआ मूली। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के मूली लिए हैं, उसे ग्रेड कर ली अच्छे से। फिर 4 से 5 चम्मच रिफाइंड ऑयल, जिसको मोयम हम लोग कहते हैं। अजवाइन 1 चम्मच, 1 चम्मच कलौंजी। आप यहाँ पे कलौंजी ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो ले सकते हैं, चाहे तो ना भी ले सकते हैं। सबको अच्छे तरीके से हम लोग मिला देंगे। अब हम लोग इसमें पानी डालेंगे और पानी जो होना चाहिए वो लिक्वॉर्म होना चाहिए, मतलब हल्की गर्म। एकदम ठंडा पानी मत लीजिएगा। गर्म पानी लेने से क्या होगा कि जो पराठा है वो काफ़ी मुलायम बनेगी। पानी धीरे धीरे डाल के हम लोग इसे अच्छे तरीके से गूंथ लेंगे आटा को। यहाँ पे मैं डालूँगी स्वाद अनुसार नमक। नमक मैं स्टार्टिंग में ही डालना होता है जब अजवाइन ये सब डालते, तो मैं वहाँ पे डालना भूल गई थी, इसलिए यहाँ पे डालूँगी। और डालने के बाद अच्छे तरीके से आटा लगा लेंगे, एकदम सॉफ्ट सा। हार्ड बिल्कुल नहीं करना है। अगर हार्ड कीजिएगा आप आटा को तो क्या होगा कि आटा जो ये रोटी जो होगी पराठा वो सॉफ्ट नहीं बनेगी, एकदम कड़ी कड़ी हो जाएगी। तो हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। फिर हम इसे एक पराठे की तरह बेल लेंगे। और जो पराठी होगी वो ज़्यादा मोटी और ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा बेल के रेडी हो चुका है। अब हम लोग तवा गरम करेंगे। तवे पे पराठा को डालेंगे। इसे हम अच्छे तरीके से सेक लेंगे। जब ये एक तरीके से हल्की सी रेड हो जाएगी तो हम लोग इस पे ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगा के दोनों तरफ से हम इसे सेक लेंगे। और याद रखिए ये हाई फ्लेम पे ही कीजिएगा। अगर आप इसे लो फ्लेम पे कीजिएगा तो रोटी आपकी सख्त हो जाएगी। और बाकी सारे पराठे को इसी तरीके से बना लेंगे। सभी पराठे को मीडियम से हाई फ्लेम पे ही बनाइएगा, वरना वो क्या होंगे कि बहुत सख्त हो जाएंगे, फिर वो आपको खाने में भी अच्छे नहीं लगेंगी। तो हमारा मूली के पराठा रेडी हो चुका है। आप इसे किसी भी चटनी के साथ, दही के साथ आप खाइए और सर्दी के मौसम को एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें। और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के में। तब तक के लिए गुड बाय।